अस्सलामु अलैकुम क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू दारे अरकम एफ बी एरिया कैंपस ऑनलाइन क्लासेस फॉर द सेशन 2021-22. सो क्लास 5, दिस इज़ आवर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज बॉड मास और डी मास. ठीक है, आज हम बॉड मास और डी मास को ही रिवाइज करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह और क्लियर हो जाएँ. सो लेट्स ओपन योर बुक. पेज नंबर है आपका 20, एक्सरसाइज है 1D. इस एक्सरसाइज का मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 रिवाइज करवाऊँ. ठीक है, कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट रिवाइज कराया था, 10 का आज मैं आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 10 रिवाइज कराऊंगी ताकि कोई भी अगर कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग ब्रैकेट और साइंस तो वो आपकी क्लियर हो जाए. सो लेट स्टार्ट अवर वर्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. वॉट इज द क्वेश्चन नंबर 10? कॉपी एंड कम्प्लीट दीज, वर्क आउट द ऑपरेशन इन साइड द ब्रैकेट फर्स्ट. अब आपको यहाँ पे कहा है कि वर्क आउट द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट. तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, हमें कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है? बॉड मास. यस, हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? बॉड मास का. यानी सबसे पहले जो है हमें ब्रैकेट ऑर्डर B फॉर ब्रैकेट O फॉर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर सॉल्व करना है, उसके बाद हम डी मास रूल लगाएंगे. ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कोई भी आपका ऑपरेटर यूज हो रहा हो लेकिन आपने पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है. चलें, पार्ट ए है हमारा 3×7 ब्रैकेट के अंदर है, इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट प्लस 12. अब अगर हम अकॉर्डिंग टू डी मास देखें, खाली पहले अगर मैं डी मास के अकॉर्डिंग देखूं तो इसमें दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का. तो अगर मैं डी मास देखूं तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, एडिशन होगी. ठीक है ना, और अगर मैं बॉड मास देखूं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. अब अगर इसमें जो है वो ब्रैकेट में ऑलरेडी पहले मल्टीप्लिकेशन है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 3×7 21, और 21 में जब 12 प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 33. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9+22 इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 4. अब यहाँ भी दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, अगर मैं डिमास के अकॉर्डिंग देखूँ तो पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए लेकिन इसमें ब्रैकेट है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी? अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल, यानी ब्रैकेट ऑर्डर पहले सॉल्व करूँगी. ब्रैकेट में तो एडिशन है, सो वॉट, कोई भी ऑपरेटर अंदर हो ब्रैकेट में, बट पहले हमेशा अगर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर दिया है नंबर को तो बॉड मास रूल ही अप्लाई होगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड ओपन द ब्रैकेट. सो मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और ब्रैकेट ओपन किया 31. यहाँ आप देखें जो जो मैं पहले पढ़ती जा रही हूँ परफॉर्म, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया कि पहले मुझे इन दो नंबर्स को सॉल्व करना है. ठीक है, इन दो नंबर्स को 9×22=31 और फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 31×4=124 ये मेरा आंसर आ गया. अब लुक एट दिस कि यहाँ भी पहले ब्रैकेट सॉल्व किया है, यहाँ भी पहले ब्रैकेट सॉल्व किया. यहाँ तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ही था पहले और लेकिन यहाँ पे पहले एडिशन था, तो डिमास में तो हम पहले एडिशन नहीं करते लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं रूल? बॉड मास का. हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं चाहे ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेटर हो. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पार्ट 8×12+6. अब पिछले दो क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट दिए हुए थे, इसमें आपको राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट दिया है. इट्स ओके, नथिंग टू वरी. अब इसमें भी आपने क्या करना है? पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है. ब्रैकेट है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? बॉड मास का. ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम. मैंने सबसे पहले इसको अंडरलाइन किया कि पहले मैं ये दो नंबर्स को सॉल्व करूँगी क्योंकि ये दो नंबर्स किस में इनक्लोज्ड हैं? ब्रैकेट में. ठीक है, तो 12 और 16 को प्लस किया मैंने, 28 बना और फिर 28 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो मेरा आंसर आ गया 224. इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी है, इसका पार्ट डी है. पार्ट डी में भी आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 18 और 3 को मल्टीप्लाई किया 54 आंसर आया, 14 इसके साथ एज इट इज़ उतार लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 68. आई होप इसके बाद आपका बॉड मास का कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा. घर में इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़. अल्लाह हाफिज़.